तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहोगे। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप कैसे इस तरह से टेक्स्ट वगैरह अपने मैप के स्टोरी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये पिछली वीडियो का पार्ट टू है, बट उतना ज्यादा लिंक नहीं है, बट फिर भी अगर नहीं देखा तो देख सकते हो, इससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो HUD में आ जाना। फिर एडिट लेआउट पर क्लिक करना। यहाँ आने के बाद एक टेक्स्ट लेना, फिर इसका साइज बड़ा कर देना। अब जो डायलॉग लिखना है वो लिख देना। फिर से एडजस्ट करके अपने हिसाब से लगा देना। अब अगर आपको और भी डायलॉग्स ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लेना। फिर सेकंड वाले को सेम जगह पर एडजस्ट करके लगा देना। फिर यहाँ जो लिखना है वो लिख देना। अब ऐसे ही करके जितने डायलॉग लिखना है उतना लिख देना। मैं अभी के लिए दो ही कर रहा हूँ। फिर ये होने के बाद इन सब के आई को बंद कर देना। अब इसके स्क्रिप्ट में जाना। यहाँ आने के बाद और नया ब्लॉक लेना, उसके नीचे सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लगाना। एंटिटी में गेट विजिट फ्रॉम कस्टम UI ब्लॉक लगाना। इसके टारगेट में क्लिक करके दिस एंटिटी ब्लॉक लगाना। विजिट आईडी में पहले वाले लेवल को चूज करना। सेट प्रॉपर्टी में एक्टिव को चूज करना। वैल्यू में क्लिक करके फॉल्स वाला ब्लॉक लगा देना। अब पूरे सेट प्रॉपर्टी को उतनी बार कॉपी करना जितने टेक्स्ट लिए हो। जैसे कि मैंने दो टेक्स्ट लिए थे तो मैं यहाँ पर और एक बार कॉपी करूंगा। फिर विजिट आईडी में सेकंड वाले लेवल को चूज कर लेना। मान लो आपने तीन टेक्स्ट लगाया है तो पहले सेट प्रॉपर्टी के विजिट आईडी में पहले वाले टेक्स्ट को चूज करोगे, सेकंड में सेकंड वाले को, थर्ड में थर्ड वाले को। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होगे। वैल्यू में एक को ट्रू करना है, बाकियों को फॉल्स करना है। किसको ट्रू करना है किसको फॉल्स करना है ये समझ लो। तो एडिट लेआउट पे आ जाना। यहाँ देखो, मुझे पहले इस टेक्स्ट को दिखाना है, उसके बाद इसको दिखाना है। अगर मैं दोनों आई को ऑन कर दूँ तो देखने में अजीब लगेगा, बट अगर मैं पहले को ऑन करूँ उसके बाद पहले को ऑफ करके सेकंड को ऑन करूँ तो देखने में ठीक लगेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है। नहीं समझे तो स्क्रिप्ट में बता देता हूँ। तो आपको पहले वाले को ट्रू करना है, उसके नीचे सबको फॉल्स करना है। फिर सेट प्रॉपर्टी के नीचे वेट मिलीसेकंड ब्लॉक लगा देना। यहाँ जितनी देर तक टेक्स्ट रखना चाहते हो उतनी देर तक सेकंड्स लिख देना। मैं अभी के लिए 4 सेकंड रख रहा हूँ। फिर उसके नीचे जो सेट प्रॉपर्टी बनाए थे ऊपर, उन सबको कॉपी करके नीचे लगा देना। और हाँ, यहाँ जिसको ट्रू किए थे उसको फॉल्स कर देना और उसके नीचे वाले को ट्रू करना। बाकी जितने भी नीचे होंगे उन सबको भी फॉल्स कर देना। फिर ऐसा ही रिपीट करना जब तक सभी टेक्स्ट एक एक करके ट्रू ना हो जाए। फिर सबसे नीचे डिस्ट्रॉय ब्लॉक लगाना। उसके टारगेट में दिस एंटिटी लगाना। अब जहाँ जाने के बाद टेक्स्ट शो करवाना है वहाँ क्रिएट कस्टम HUD लगाना। मुझे अभी ट्रिगर में लगाना है तो मैं अभी ट्रिगर ले लेता हूँ। फिर इसके स्क्रिप्ट में जाना। यहाँ पहले ऑन प्लेयर एंटर ब्लॉक लेना। फिर उसके नीचे क्रिएट कस्टम HUD ब्लॉक लगाना। प्लेयर में प्लेयर को लगाना, बाकी कुछ नहीं करना है। अब जब भी प्लेयर उसी जगह पर जाएगा तब ये टेक्स्ट शो होगा। एंड अगर आप एक क्राफ्टलैंड क्रिएटर हो और एक क्राफ्टलैंड गिल्ड ढूंढ रहे हो जाकर हर एक मेंबर क्राफ्टलैंड बनाता है, तो आप इस गिल्ड में आ सकते हो। यहाँ सिर्फ आपको क्राफ्टलैंड प्लेयर से मिलेंगे। अगर आप एक भी क्राफ्टलैंड बनाए हो तो मैं या फिर जो भी लीडर होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। बस सिर्फ क्राफ्टलैंड स्टूडियो में जाके विजिबल टू पब्लिक को ऑन कर देना ताकि पता चले कि आप क्राफ्टलैंड बनाते हो कि नहीं।
बाकी आपने जो मैप और एनिमेशन जो देखा वो कैसे बनाया है मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।